स्प्रेडिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं आपके सामने एक कहानी जिसका नाम है द कॉलोनी। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है धरती का तापमान -50 डिग्री से नीचे चला गया होता है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जिस वजह से पेड़ पौधे सब खत्म हो गए हैं और खाना पीना खत्म होने की वजह से सभी लोग मर गए हैं। वहीं हमें एक कॉलोनी को दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इन लोगों ने अभी भी बीजों को संभाल कर रखा है जिससे यहाँ अपने लिए खाना पीना पैदा करते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने रोजमर्रा की हर एक चीज को संजो कर रखा है। तभी हमें दिखाया जाता है सिक्योरिटी इंचार्ज जिसका नाम हेल होता है, वो कॉलोनी के बाहर एक बुजुर्ग को लेकर आता है जिसका नाम पिक होता है और उसे गोली मारने लगता है। तभी वह बुजुर्ग उसे छोड़ देने की भीख मांगता है। वो हेल से कहता है, मैं बर्फ में चला जाऊंगा और कॉलोनी में कभी नहीं आऊंगा, पर हेल उसको गोली मार देता है और वो बुजुर्ग वहीं मर जाता है। दरअसल दोस्तों, लोगों में बीमारी आई होती है जो कि कोरोना वायरस जैसी होती है और इस बुजुर्ग को भी यही बीमारी लगी होती है। इसे पहले क्वारंटाइन भी किया गया था और साथ साथ दवाई भी दी गई थी, मगर पिक के ठीक न होने पर वह कॉलोनी में और भी लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता था। इस वजह से कॉलोनी ने रूल्स बनाए होते कि इन्फेक्टेड पर्सन को यहाँ नहीं रखा जाएगा, उसे बाहर ले जाकर ऑप्शन दिए जाएंगे। या तो वो बर्फ में जाकर भूख से मर जाना पसंद करे या गोली खाकर मरना पसंद करे, मगर यहाँ हेल ने उसको ऑप्शन नहीं दिया। वही ये सब सैम देख लेता है। वो हेल से बोलता है, तुमने नियमों का पालन क्यों नहीं किया, उसे बर्फ में जाने का पूरा अधिकार था। हेल सैम को बोलता है, हमें अपने रूल्स बदलने की जरूरत है। ये लोग बर्फ में जाते हैं और भूख से वापस कॉलोनी की तरफ आ जाते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हम सब इन्फेक्शन से मर जाएंगे। और दोस्तों, हेल ऐसा 30 दिन में 20 बार कर चुका होता है। उसके बाद सैम बिड के पास जाता है जो कि कॉलोनी का हेड होता है। वो उसे हेल के बारे में बताने लगता है। तभी बिड बिना पूरी बात सुने सैम को बोलता है, देखो, जब हमने कॉलोनी की शुरुआत की थी हम 400 लोग थे, अब हम 200 रह गए हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। मगर सैम उसे कहता है, हेल ने पिक को ऑप्शन नहीं दिया, पिक जाना चाहता था। और बिड सैम को बोलता है, हमारे पास इससे अभी बड़ा मुद्दा है। बिड कॉलोनी के एक कर्मचारी के पास जाता है जो बिड को बताता है, हमारे कुछ साथी एंटीना को ठीक करने बेसमेंट में गए थे, वहीं से उन्होंने इमरजेंसी SOS भेजा है और उनसे बात नहीं हो पा रही है। तभी बिड कर्मचारी को आधे घंटे बाद मीटिंग अनाउंस करने को बोलता है। वहीं बिड उन्हें ढूंढने जाने के लिए बोलता है और सबसे पूछता है, कौन कौन मेरे साथ चलना चाहेगा। तभी सैम और जॉन उसके साथ चलने को राजी हो जाते हैं और बिड सभी को बताता है, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक कॉलोनी की इंचार्ज काय रहेगी। तभी एक कपल को दिखाया जाता है जो कि इन्फेक्टेड होते हैं और वो मीटिंग में ही खांसने लगते हैं। तभी हेल उनको आके क्वारंटाइन कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है ये तीनों अपने साथियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक टूटा हुआ ब्रिज दिखाई देता है, मगर ये हिम्मत न हारते हुए उसे पार कर लेते हैं। उसके बाद इन्हें रास्ते में कुछ लोगों की लाश मिलती है जो भूख से मर गए। आगे चलकर ये लोग एक खराब पड़े हेलीकॉप्टर में कुछ देर आराम करने लगते हैं। जैसे ही अंदर जाते तभी जॉन बिड से पूछता है, ये क्या है। बिड उसे बताता है, ये हेलीकॉप्टर है, ये हवा में उड़ा करता था। दरअसल दोस्तों, जॉन पैदा ही कॉलोनी में हुआ है, उसने तो कभी पहले का जीवन देखा ही नहीं। उसके बाद सैम बिड को याद दिलाने लगता है कि ये जगह वही है जहाँ से तुम मुझे बचाकर कॉलोनी में ले गए थे और उसने अपने परिवार को आखिरी बार यही मरते हुए देखा था। तभी इन्हें आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जल्दी ये एंटीना के पास पहुंच जाते जहाँ बाहर इन्हें खून गिरा दिखता है और ये तीनों लोग चौकन्ना होकर नीचे बेसमेंट में उतरने लगते हैं। जैसे ही बिड नीचे उतरता है उसे बहुत ज्यादा खून नीचे गिरा दिखता है और ये तीनों उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें दीवार पर भी खून के निशान दिखते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने पर इन्हें एक गेट दिखाई देता है जिसके बाहर ताला लगा होता है। जैसे ही सैम ताला खोलता है ये लोग अंदर जाके देखते हैं, इनको एक इंसान दिखाई देता है जो बहुत डरा और भूखा होता है। तभी सैम उसे कुछ खाने को देता है। वो इंसान उसे बताता है कि मैं एक रिसर्चर हूँ। तभी वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें बताया जाता है रिसर्चर ने ग्लोब पर एक ऐसी जगह खोज निकाली है जहाँ का नीला आसमान है, पक्षी पेड़ पौधे सब है। तभी बिड और उसके साथ ही उस जगह की लोकेशन याद कर लेते हैं और जैसे ही ये रिसर्चर को लेकर कमरे से बाहर जाते हैं वो इनको रूम से बाहर धक्का देकर खुद को अंदर लॉक कर लेता है। और तभी इन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, जैसे ही ये वहाँ जाकर देखते हैं इनका दिल दहल जाता है। वहाँ पर एक व्यक्ति जो इंसान की बॉडी को काट रहा होता है और उसके आसपास काफी सारी लाशें पड़ी होती है, उसके साथ ही लाशों के अंगों को खा रहे होते हैं और वो इंसान उस बॉडी के पैर को काटकर अलग कर देता है। तभी वो इंसान पीछे मुड़कर सैम और उसके साथी को देख लेता है और चाकू से मारने भागता है। तभी सैम उसे गोली मार देता है। इतने में वहाँ जितने भी लोग सो रहे होते
हैं। सब गोली की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। ये सब सैम और उसके साथियों को मारने भागते हैं। जॉन सैम और बिड को छोड़कर अलग भाग जाता है, मगर सैम और बिड एक साथ मिलकर इनके काफी साथियों को मार देते हैं और यहाँ से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी जॉन को अकेला पकड़कर दो लोग चाकुओं से मार देते हैं। सैम और बिड वहाँ जाते हैं तो उन्हें जॉन मरा हुआ दिखाई देता है। तभी ये लोग जल्दी से भागकर ऊपर जमीन पर आ जाते हैं। वहीं बिड डायनामाइट में आग लगाकर नीचे बेसमेंट में डाल देता है और पूरा टावर तबाह हो जाता है। ये वापस से तूफान का सामना करते हुए कॉलोनी की तरफ चल पड़ते हैं। वहीं तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है और इन्हें ना चाहते हुए भी दोबारा से खराब पड़े हेलीकॉप्टर में रुकना पड़ता है। आगे दिखाया जाता है जैसे ही हेलीकॉप्टर से निकलते हैं, इन्हें वो लोग इनका पीछा करते हुए दिखते हैं। दरअसल दोस्तों, इनके फुटप्रिंट का पीछा करते हुए वे इनकी ओर आ रहे होते हैं। बिड और सैम भागकर ब्रिज पर चले जाते हैं और बिड ब्रिज को बीच में से तोड़ने के लिए वहां डायनामाइट लगा देता है, मगर दोस्तों ठंडी हवा की वजह से डायनामाइट की आग बुझ जाती है। इतनी देर में वे लोग भी ब्रिज पर आ जाते हैं, मगर बिड दोबारा से डायनामाइट को जलाने जाता है, पर सैम उसे ऐसा करने से मना करता है। मगर बिड सैम को सर मारकर जाकर डायनामाइट जला देता है और वो लोग भी बिड के पास आ जाते हैं। इतनी देर में दिखाया जाता है बिड के हाथों में ही डायनामाइट फट जाता है और बिड वहीं मर जाता है और ब्रिज के बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी सैम तेजी से कॉलोनी की तरफ भागने लग जाता है क्योंकि उसे मालूम है वे लोग उसका पीछा करते जरूर आएंगे। जैसे ही वो कॉलोनी से कुछ दूर पहुंचता है, वही दिखाया जाता है जो कपल क्वारंटाइन किया गया था। हेल उसमें से उसकी बीवी को गोली मार देता है और दूसरी तरफ काय वहां आ जाती है जो हेल को उस इंसान को मारने से रोकती है। वहीं दूसरी तरफ सैम बचाओ बोलकर बेहोश हो जाता है। काय सैम के पास जाती है उसे बचाने, तभी पीछे से हेल काय को बंदूक से मारकर बेहोश कर देता है। दरअसल दोस्तों, हेल यहाँ पर नया इंचार्ज बनना चाहता है कॉलोनी का, इसीलिए वो काय को बंदी बना लेता है। अगले पल हमें सैम की आंखें खुलती दिखाई जाती है और वो उन्हें बताता है जॉन और बिड मारे जा चुके हैं, अगर हम कॉलोनी छोड़ के नहीं गए तो वो लोग आकर हमें भी मार देंगे। मगर हेल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी सैम काय को छुड़ाता है और उसे वो लोकेशन दिखाता है जहाँ अब भी जीवन संभव है, जो रिसर्चर ने उसे बताई थी। उसके बाद सैम और काय भागकर सीड रूम में जाते हैं जहाँ बीजों को स्टोर करके रखा जाता है और वहाँ से कुछ सीड के बॉक्स लेकर अपने बैग में डाल लेते हैं। जैसे ही सैम और काय बाहर आते हैं, हेल और उसके साथी उसे बंदूक के निशाने पर ले लेते हैं और उसे जाने से मना करते हैं। हेल उसे बताता है वो अब इस कॉलोनी का नया इंचार्ज है। तब इन लोगों को बाहर से तेज आवाज आती है। ये सब लोग कैमरा रूम में जाकर देखते हैं तो वही लोग आ गए होते हैं जिन्होंने जॉन और बिड को मारा था और उन लोगों ने इनकी कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी दिखाया जाता है ये सब लोग कॉलोनी को खाली करके निकल रहे होते। तभी वे लोग कॉलोनी की लाइट को बंद कर देते हैं और कॉलोनी में अंदर आ जाते हैं। तभी उनमें से एक हेल के पेट में चाकू घोंप देता है और सैम उसे गोली मार देता है और ये एक एक करके कॉलोनी के काफी लोगों को मार देते हैं। वहीं सैम और उसके साथी इनके लोगों को मार रहे होते हैं। आगे दिखाया जाता है कॉलोनी में सब लोग एक कमरे में आ जाते हैं और अंदर से गेट को बंद कर देते हैं। सैम उन्हें इस कमरे से बाहर जाने का एक खुफिया रास्ता बताता है, मगर हेल उन्हें बाहर जाने से मना करता है। तभी सब लोग उस रास्ते में चले जाते हैं और जैसे ही बुरे लोग कमरे में आते हैं, हेल सिलेंडर में गोली मारता है जिससे वे सभी लोग वहीं मर जाते हैं। मगर उनका हेड सैम के पीछे खुफिया रास्ते में कूद के बच जाता है। वो सैम के पीछे जाकर सैम को मारने लगता है और इनके बीच लड़ाई हो जाती है। आखिर में सैम उसके पैर में चाकू मारकर उसे लोहे की रोड से पीट पीट कर मार देता है। जैसे ही सैम पीछे मुड़ के जाने लगता है, वह इंसान फिर से सैम के पैर को पकड़ लेता है। तभी सैम गोल चाकू लेके उसके चेहरे के दो हिस्से कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है काय और उसके साथ बचे हुए लोग कॉलोनी के बाहर निकल जाते हैं और वो सैम का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं कॉलोनी में से बहुत तेज धुआं निकलता दिखाया जाता है और काय ये सब देख के घबरा जाती है। मगर थोड़ी देर में सैम को कॉलोनी के बाहर आता हुआ दिखाया जाता है। काय सबको बोलती है अब हम क्या करेंगे। तभी सैम उन्हें उस लोकेशन की तरफ बढ़ने को बोलता है और उन्हें एक सीड का बॉक्स दिखाता है। इन सब लोगों को आगे बढ़ता दिखाया जाता है और यही इस कहानी का अंत दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।